you welcome to online ventures the one stop solution फॉर ऑल द एग्जामिनेशन इन इंडिया रात के आठ बज चुके हैं हम लोग एक बार फिर से लाइव आ चुके हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और धमाकेदार लाइव सेशन के साथ भाई साहब जितने लोग चैनल पे नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेलाइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके इस वीडियो को सब लोग लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि और भी लोग हमारे साथ इस मुहिम में जुड़ सके जय हिंद ऑफिसर्स आ जाइए हाई रुचि हाय हर्षित अक्षय ट्रेंडिंग शैलेंद्र कौस्तव ऋतु सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आपके अपने परिवार ऑनलाइन वेंचर्स पर आपके सबसे इंपॉर्टेंट सेशन एक्सप्रेस 365 करंट अफेयर्स आज है चार मार्च 2021. तो भाई जैसा कि आप जानते हैं कि करंट अफेयर्स आपके एग्जाम में लगातार इंपॉर्टेंस पर इंपॉर्टेंस बढ़ाता जा रहा है और आज की तारीख में आप बिना करंट अफेयर्स के एग्जाम को पास नहीं कर सकते करंट अफेयर्स याद रखिएगा कि जीएस जो है बिना करंट अफेयर्स के अधूरी है और करंट अफेयर्स की वैल्यू आज के तारीख में ऑलमोस्ट ट्वेंटी हो गई है एग्जाम्स के जैसा कि आप जानते हैं कि

जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो बहुत बेकार है दूसरे वो लोग होते हैं जो कभी पढ़ाई नहीं करते अंत में करंट अफेयर्स लेकर बैठ जाते हैं यू एंड विद नथिंग हमने आपकी दोनों समस्याओं का निवारण कर दिया है अब आपके बेटा डेली चालीस मिनट के आसपास का समय मैं लेता हूं डेली की टॉप न्यूज करा देता हूँ डेली के टॉप क्वेश्चंस करा देता हूँ डेली की पीडीएफ दे देता हूँ आपको इसके अलावा और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होती है ये करेंट अफेयर्स कौन से एग्जाम में काम आएगा तो याद रखिएगा ये सीडीएस का होगा ये ओटीए के में काम आएगा ये सी में काम आएगा ये यूपीएससी, सीएससी में काम आएगा ये स्टेट पीएससी में काम आएगा ये एनडीए में काम आएगा इन सब जगहों पर ये जो करेंट अफ़ेयर्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो आपको भैया करंट अफेयर्स पढ़ना है तो ऑनलाइन वेंचर्स के रात रात बजे आपको हमारे साथ जुड़ना होगा वैसे ही सुबह आठ बजे वो कैब लेडर की क्लास मतमित करिए सी सैड में आपका वो कैब लेडर बहुत काम आने वाला है ऑनलाइन वेंचर्स की ऐप अगर अभी तक डाउनलोड नहीं की है फटाफट कर लीजिए यह बहुत इंपॉर्टेंट ऐप है मैंडेटरी ऐप है चलिए भाई शुरू करते हैं चलिए शुरू किया जाए भाई जल्दी बताओ जी बहुत बढ़िया शाबाश फटाफट सब लोग आ जाएं लाइक और शेयर भी कर दें और बहुत मजा आने वाला है आज के सेशन में दिल ना खुश हो जाए तो कहिएगा आज बहुत बड़ी खबरें हैं आज भारत के लिए कुछ अच्छी खबरें भी हैं और भारत के लिए कुछ खराब खबरें भी हैं याद रखिएगा ठीक है बहुत बढ़िया है चलिए शुरू करते हैं पहली खबर ये देखिएगा फाइव न्यू श्रब फ्रॉक्स स्पीशीज फाउंड इन वेस्टर्न घाट अब ये पहली खबर है आज की देखिएगा आपको मालूम है कि एनवायरमेंट और वाइल्ड लाइफ के बहुत क्वेश्चंस आपके यूपीएससी द्वारा पूछे जाते हैं ये देखिएगा फाइव न्यू श्रब फ्रॉक श्रब मतलब जो झाड़ियों में पाए जाते हैं या उस टाइप में तो रिसर्चर्स फ्रॉम इंडिया एंड द यूएस हैव डिस्कवर्ड फाइव न्यू स्पीसीज ऑफ श्रब फ्रॉक्स फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स वन ऑफ द ग्लोबली रिकॉगनाइज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भाई आपको मालूम है कि वेस्टर्न घाट्स जिन्हें हम शयादरीज भी कहते हैं भारत में आपको मालूम है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल किया गया है वहां पर पांच नई वराइटीज ऑफ फ्रॉक्स पाए गए हैं ये देखिएगा ये पांच अलग अलग वराइटीज ऑफ फ्रॉक्स पाए गए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है वेस्टर्न घाट्स में द फ्रॉग्स बिलोंगिंग टू द ओल्ड वर्ल्ड ट्री फ्रॉग फैमिली जिसे रैकोफोडिया कहा जाता है वर्ड बाय द रिसर्चर्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ डेली एंड केरला फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटी ऑफ मेनासोटा एज अ पार्ट ऑफ अ लॉन्ग कॉम्प्रीहेंसिव स्टडी ऑन द श्रफ रॉग्स ऑफ द वेस्टर्न घाट कैरीड आउट ओवर अ पीरियड ऑफ नियरली टेन ईयर्स दस साल रिसर्च करी है इस पर याद रखिएगा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली केरला फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी ऑफ मिनासोटा ने मिलकर के एक रिसर्च चलाई थी जिसमें 10 साल के बाद ये मिले हैं रिसर्चर सेट दैट द न्यू स्पीशीज वर आइडेंटिफाइड एंड फाउंड टू बी डिस्टिंक्ट बेस्ड ऑन द मल्टीपल क्राइटेरिया सच एज द एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी डीएनए कॉलिंग पैटर्न बिहेवियर अदर नेचुरल हिस्ट्री ऑब्जर्वेशन सो इनकी जो बेटा एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है डीएनए है कॉलिंग पैटर्न है बिहेवियर है ये सब कुछ अलग है फ्रॉग से जैसे होते हैं

कुछ तरीका ढूंढ रहे हैं साइंटिस्ट याद रखिएगा सो फाइव न्यू श्रब फ्रॉक स्पीशीज सीधे सीधे आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पांच श्रब फ्रॉक स्पीशीज जो है कहां से पाई गई थी तो आंसर होगा वेस्टर्न घाट्स में दूसरा क्वेश्चन बन सकता है किसने ढूंढा था तो इसे बेटा यूनिवर्सिटी ऑफ डेली केरला फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी ऑफ मिनासोटा ने मिलकर के 10 साल के एक्सटेंसिव रिसर्च के बाद ढूंढ निकाला है अब ये देखिएगा बेटा दे। ये बेटा छहाबार डे ये ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है दूसरी खबर आपने सुना होगा बेटा ये देखिए छहाबार पोर्ट के बारे में ये स्ट्रेटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्ट है छहाबार जो कि पर्शियन गल्फ एरिया में है याद रखिएगा द छहाबार पोर्ट प्रोवाइड्स एन ऑल्टरनेटिव रूट for trade between India and landlocked Afghanistan.

पोर्ट हैज एम्ड एट डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अनलिशिंग अपॉर्चुनिटीज बूस्टिंग बिजनेस थ्रू आउट ट्रेड प्रमोशन रीजनल कनेक्टिविटी इंडिया ईरान एंड उजबेकिस्तान हैज कंडक्टेड द फर्स्ट ट्राई लेटरल वर्किंग ग्रुप मीटिंग ऑन द ज्वाइंट यूज ऑफ छाबार वर्चुअली इन दिसंबर अब होता क्या है कि इंडिया ईरान और उज्बेकिस्तान होते हुए बेटा यह काम किया जा सकता है याद रखिएगा सो so, इंडिया ईरान उज्बेकिस्तान ने कंडक्ट किया था फर्स्ट ट्राइलेटरल वर्किंग ग्रुप मीटिंग ऑन द ज्वाइंट यूज ऑफ द छाबार पोर्ट याद रखिएगा ड्यूरिंग द मीटिंग ऑल द थ्री साइड है ज्वाइंट यूज ऑफ द पोर्ट फॉर ट्रेड ट्रांजिट एंड एनहैंस रीजनल कनेक्टिविटी द छाबार पोर्ट इज ऑल्सो कंसिडर एज द गोल्डन गेट फॉर ट्रेड बाई इंडिया ईरान एंड अफगानिस्तान विद द विदलॉक सेंट्रल एशियन कंट्रीज ऑफ तुर्कनिस्तान उज्बेकिस्तान एटसेट्रा So, अब भारत को अगर भाई साहब व्यापार करना है अफगानिस्तान के साथ तो पाकिस्तान को वो बाइपास करके जा सकते हैं हालांकि इससे रूट लंबा होगा कहीं ना कहीं जो लॉजिस्टिक चार्जेस हैं वो बढ़ेंगे और कहीं ना कहीं इससे थोड़ी बहुत महंगाई तो बढ़ सकती है लेकिन हम पाकिस्तान को बाइपास करके अब अफगानिस्तान जा सकते हैं तो काफी अच्छी खबर है लेकिन बेटा थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है ये देखिएगा आज बड़ी खबर आई है भारत से और ये एग्जाम में बहुत अच्छा क्वेश्चन हो सकता है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020। अब बात ये आती है कि भारत के जो शहर हैं उनमें जो है रहना कितना आसान है या रहना कितना टफ है जैसे बहुत से लोग कहते हैं ना कोलकाता भैया बहुत सस्ता शहर है वहां रहना आसान है मुंबई बहुत महंगा शहर है वहां रहने के लिए बहुत पैसे चाहिए होते हैं तो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स निकाला गया है भारत के याद रखिएगा द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर रिलीज द ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स दो सो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स निकाला गया है दो का भारत के शहरों का यह बहुत बड़ी खबर है बेटा याद रखिएगा लाइक और

तो इनमें आप देख सकते हैं फरीदाबाद है विजयवाड़ा है, रांची है जबलपुर है कोटा गुवाहाटी बरेली, धनबाद और श्रीनगर याद रखिएगा 49 नंबर पर है याद रखिएगा तो श्रीनगर 49 नंबर पर है याद रखिएगा ठीक है तो काफी खराब है बेटा ये मिलियन प्लस सिटीज जो है उनचास शहर निकले थे याद रखिएगा दिल्ली का कोई अता पता नहीं है कहीं भी नहीं है बेटा दिल्ली तो आसपास भी यहां पे दिखाई नहीं दे रहा है ठीक है तो बैंगलोर याद रखिएगा ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में भारत में सबसे अच्छा शहर माना गया है याद रखिएगा तीन खबरें हो गई चौथी खबर आते हैं भाई साहब बहुत बुरी खबर है आज की भाई साहब बहुत बुरी खबर है भारत के लिए और एक बहुत बड़ी संस्थान है जिसका नाम है फ्रीडम हाउस और फ्रीडम हाउस ने कहा है कि भारत में डेमोक्रेसी लगभग खत्म पर है भारत में लोकतंत्र ऑलमोस्ट खत्म पर है बेटा तो भारत में लोकतंत्र ऑलमोस्ट खत्म पर है याद रखिएगा मतलब बताया गया है कि भारत में लोगों की आवाज को ऐसे दबाया जा रहा है लोगों के विरोध करने के अधिकार को छीना जा रहा है भारत में लोगों की डेमोक्रेटिक राइट छीनी जा रही है क्योंकि आजकल होता क्या है कि अगर आप सरकार के खिलाफ गए तो फिर आप अरबन नक्सल बन जाते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग बन जाते हैं आप जो हैं बेटा अवार्ड वापसी गैंग बन जाते हैं तो भैया ये कहीं ना कहीं बेटा डेमोक्रेसी जो है वो स्टेक पर आ गई है याद रखिएगा सो डेमोक्रेसी स्टेक पर आ गई है देश की याद रखिएगा फ्रीडम्स इन इंडिया हैव रिड्यूस्ड अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट ऑफ द यूएस थिंक टैंक फ्रीडम हाउस रिजल्टिंग इन इंडिया बीइंग क्लासिफाइड एस पार्टली फ्री सुनिएगा तो भारत को भारत को किस कंडीशन में रखा गया है पार्टली फ्री मतलब एक होते हैं बेटा फ्री एक होते हैं पार्शियली एक होते हैं कम फ्री और एक होते हैं पार्शियली तो मतलब अब भारत में जो फ्रीडम है वो पार्शियल रह गई है बहुत कम हो गई है और यह कहीं ना कहीं बेटा भारत के लिए बहुत बुरी खबर है इंडिया स्कोर सेवन ड्रॉप फ्रॉम सेवन फ्रॉम द लास्ट ईयर रिफ्लेक्टिंग 2019 हजार उन्नीस डेटा डाउन ग्रेडिंग इट फ्रॉम द फ्री कैटेगरी लास्ट ईयर बेस्ड ऑन द दो हजार बीस डेटा सो याद रखिएगा कि सेवनटी वन स्कोर था भारत का हंड्रेड में अब यह सिक्सटी सेवन हो गया है पहले तो भारत फ्री कैटेगरी में आता था लेकिन अब भारत जो है फ्री नहीं पार्टली फ्री हो गया है याद रखिएगा ठीक है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट फ्रीडम इन द दर्ल्ड दो हजार इक्कीस डेमोक्रेसी गवर्नमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड इट इन्होंने कहा साफ कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार और उनकी राज्य की सरकारें अपने क्रिटिक्स को चुप कराने में लगी हुई हैं याद रखिएगा ठीक है सो so याद रखिएगा क्रैक डाउन क्रिटिक्स ड्यूरिंग द ईयर द रूलिंग हिंदू नेशनलिस्ट मूवमेंट आल्सो एनकरेज द स्केप गोटिंग ऑफ मुस्लिम हुआली ब्लेम फॉर द स्प्रेड ऑफ द वायरस अब देखिएगा इन्होंने कहा है कि जो हिंदू नेशनलिज्म वाली बात हुई है और उसके वजह से जो कोरोना वायरस में जो मुसलमानों को जो है स्केप बोर्ड बनाया गया कहते हैं ना बली का बकरा बनाना वो बनाया गया कि वायरस जो है इनके वजह से फैला है ये कहीं ना कहीं इन्होंने कहा है कि ये गलत है याद रखिएगा दू एस ड्रॉपड थ्री पॉइंट ओवर वन ईयर डाउन टू एटी थ्री दू एस ड्रॉप थ्री पॉइंट ओवर वन ईयर डाउन टू एटी थ्री पर वन हंड्रेड चाइना क्लासीफाइड एज नॉट फ्री ड्रॉप अ पॉइंट फ्रॉम द लास्ट ईयर ऑन गोइंग टू नाइन आउट ऑफ हंड्रेड तो चाइना की तो हालत खराब ही है so तो चाइना तो ऑब्वियसली बात है बेटा कम्युनिस्ट कंट्री वहां तो डेमोक्रेसी वैसे ही भी नहीं है याद रखिएगा सो चाइना में नॉट फ्री है और कहा गया है कि चाइना की जो नंबर है वो सौ में से नौ है याद रखिएगा ठीक है हाँ जी दूसरी चीज याद रखिएगा कि यूएसए का स्कोर जो है बेटा 83 है भारत का स्कोर 67 हो गया है तो कहीं ना कहीं कोई बात नहीं है बेटा ठीक है क्या यूपीएससी का लेना देना होगा इस खबर से बेटा उज्जवल राजपूत क्या बात कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है उज्जवल राजपूत ये जो रैंकिंग्स होती हैं एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं ठीक है यस yes, ये रैंकिंग्स तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है याद रखिएगा तो रैंकिंग्स आपके एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं और फ्रीडम इंडेक्स तो मतलब एक ऐसा रैंकिंग है जो एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए याद रखेगा इसमें दो तीन तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं जैसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्ट निकालता कौन है तो उसे निकालता है फ्रीडम हाउस यूएस बेस्ड है दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि भारत में एक चीज मैंने यहां पे जो चीजें लिखी है ना ये मैंने नहीं लिखी है बेटा ठीक है ये मैंने नहीं लिखी है ये जो रिपोर्ट में आई है बिल्कुल एज इट इज मैंने रिपोर्ट से कॉपी करके पेस्ट किया है याद रखिएगा सो आप कृपया करके मुझे ना कहिए कि मैंने कोई चीज टाइप नहीं की है बेटा ये रिपोर्ट को उठाया है कॉपी किया पेस्ट किया आपके लिए सिंपल है ठीक है हाँ जी ठीक है बेटा हाँ जी ओके Clear है बेटा तो ये रिपोर्ट उठाई गई है सीधी सीधी ये मतलब ये जो शब्द लिखे हैं ना ये मेरे लिखे हुए नहीं है आप जाइए गूगल पे आज डालिएगा फ्रीडम आ, फ्रीडम प्रेस आ, आ, फ्रीडम इंडेक्स याद रखिएगा डेमोक्रेसी इंडेक्स याद रखिएगा तो वहां पर बाकायदा इसी शब्द में दिया हुआ है डेमोक्रेसी अंडर सीज ये देखिएगा जो वहां पर टाइटल दिया हुआ है वैसे ही दिया गया है डेमोक्रेसी अंडर सीज याद रखेगा यस ऑब्वियस सी बात है बेटा हमें पढ़ने से मतलब होना चाहिए हमें मतलब नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है एनी बहुत बढ़िया सो so, चौथी खबर हो गई पांचवी खबर है ये देखिएगा पांचवी खबर है फ्री फॉल ट्रेनिंग इन न्यूज अब देखिए भाई साहब ये देखिए भाई साहब इनको देखिए आप वो सब छोड़िए और आप लोग जाइए सेना में जाने की बात करिए आप लोग सेना में जाने की तैयारी करिए और ये देखिए पैरा एस के बारे में क्या बात है भाई साहब ठीक है हां जी अब याद रखिएगा ये पैरा एस एफ है बेटा जिन्हें हम कहते हैं स्पेशल फोर्सेस ऑफ इंडिया याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्री फॉल ट्रेनिंग इन न्यूज द इंडियन स्पेशल फोर्सेस हैव ओवर अ पीरियड एंड इमेंस रिस्पेक्ट एंड रेप्यूटेशन ऑफ बीइंग वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पेशल फोर्सेस इन द वर्ल्ड ड्यू टू इट्स प्रोफेशनलिज्म ऑपरेशनल एक्सपर्टीज एंड सेक्रीफाइस स्पेशल फोर्सेज ऑफ फ्रेंडली नेशन इंक्लूडिंग द यूएसए ऑस्ट्रेलिया कंट्रीज ऑफ सेंट्रल एशियन रीजन एंड द मिडिल ईस्ट हैव इंक्रीजिंगली शोन द डिजायर टू ट्रेन विद द बैटल हार्ड एड इंडियन स्पेशल फोर्सेस ट्रूप्स अब आप सोचिए कि हमारे इंडियन स्पेशल फोर्सेस ट्रूप्स भाई साहब इतनी जबरदस्त हैं कि यूएसए ऑस्ट्रेलिया सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट की कंट्रीज ने कहा है कि भारत की स्पेशल फोर्सेज

और हमारी पूरी टीम और हमारा पूरा देश सलाम करता है भाई फौजियों को हमारे ऑफिसर्स को पैरा एस एफ वी आर प्राउड ऑफ यू टीम ऑनलाइन बेंचर्स और हमारे पूरे परिवार की तरफ से याद रखिएगा हम सबको आपका गर्व है हम सबको आप पर नाज है हम सबको आप पर शान है बहुत बढ़िया शाबाश पैरा एस एफ प्राउड ऑफ यू शाबाश बहुत बढ़िया ये देखिएगा ये देखिएगा छठी खबर आई है हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट ऑफ 2021 ये देखिएगा भैया ग्लोबल ग्लोबल रिच लिस्ट ऑफ 2021 आ गई है भाई साहब ये देखिएगा ये बहुत बड़ी खबर आई है हां जी ये देखिएगा सो द वर्ल्ड एडेड 607 न्यू बिलियनर्स और मोर देन 3 बिलियनर्स इन टू डेज वाइल इंडिया एडेड 55 न्यू बिलियनर्स और मोर देन वन बिलियनर एवरी वीक इन दो डिस्पाइट द कोविड नाइनटीन पैंडेमिक एज पर द टेंथ एडिशन ऑफ द हुरून ग्लोबल रिच इंडेक्स अब आप देखिएगा कोविड नाइनटीन भाई साहब सोचिएगा कोविड नाइनटीन था उसके बावजूद भारत में एक साल में पचपन लोग नए बिलियन एर्स में एड हुए मतलब कि हर हफ्ते एक बिलियनर भारत में ऐड हुआ है याद रखिएगा और पूरी दुनिया में 607 न्यू बिलियनर ऐड हुए हैं अब इंडिया के लिस्ट में देख सकते हैं सो भारत में मुकेश अंबानी सबसे अमीर हैं जो कि दुनिया में आठवें नंबर पे माने गए हैं याद रखिएगा सो भारत में मुकेश अंबानी साहब सबसे अमीर हैं और याद रखिएगा और ये जो हैं वैसे टॉप टेन में अगर भारत में देखें तो पहले पे मुकेश अंबानी दूसरे पे अडानी साहब तीसरे पे शिव नादर चौथे पे लक्ष्मी मित्तल पांचवें पे साइरस पूनावाला छठे पे हिंदुजा ब्रदर्स सातवें पे उदय कोटक आठवें पे राधा कृष्ण दमानी नवें पर जय चौधरी और दसवें पे दिलीप सांघवी एंड फैमिली सो ये दस लोग भारत के टॉप अमीर लोग हैं याद रखिएगा जिसमें अमीर जिसमें अंबानी साहब दुनिया में आठवें पर अडानी साहब दुनिया में अड़तालीस पर अंठावन पे एक सौ चार एक सौ तेरह एक सौ सत्रह एक सौ चौवन एक सौ साठ एक सौ पचासी और एक सौ चौरानवे याद रखिएगा, ठीक है तो नई लिस्ट जारी हो गई है याद रखिएगा हां जी हां जी बहुत बढ़िया है टेस्ला मस्क एडेड 151 बिलियन टू बिकम द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम विदर्थ ऑफ वन हंड्रेड नाइनटी सेवन बिलियन फॉलोड बाई अमेजॉन्स जेफ बेजॉस वन हंड्रेड एटी नाइन बिलियन डॉलर तो अब आप देख सकते हैं दुनिया में सबसे अमीर निकले हैं टेस्ला के एलॉन मस्क जिन्होंने बेटा याद रखिएगा एक बिलियन डॉलर है और अमेजोन के जेफ बेज़ोस जिनकी 189 बिलियन डॉलर्स नेट वर्थ है याद रखिएगा रिलायंस मुकेश अंबानी रिटेन दर्ड स्पॉट इन दर ऑफ बिलियनर्स फॉर मंत्री विदोटल बिलियनर्स लिविंग इन दंट्री इन द लिस्ट ऑफ इंडियन बिलियनर्स मिस्टर अंबानी वॉज फॉलोड बाई अंडी गौत अंडी एंड ऑफ ऑलमोस्ट थर्टी टू बिलियन डॉलर लेकिन एक चीज आपको यहां पर समझनी पड़ेगी ऑलमोस्ट <coughs> डबलिंग ये देखिएगा ये देखिएगा ये बेटा ये शब्द आप देखना ना भूलिएगा कृपया करके इस शब्द को कि एक साल में हमारे जो अडानी साहब हैं, उनकी नेटवर्थ डबल हो गई है याद रखिएगा सो अडानी साहब की नेटवर्थ जो है बेटा डबल हो गई है याद रखिएगा एक ही साल में ठीक है हाँ जी याद रखिएगा हाँ जी तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे चीजें काफी हद तक ठीक है आगे बढ़ते हैं तो भारत में दुनिया में तीसरे नंबर पे सबसे आधा करोड़पति हैं अरब पति कह सकते हैं 177 हंड्रेड बिलियनियर्स हैं भारत में याद रखिएगा भाई साहब मजा आया सुन के हाँ गुस्सा तो नहीं आ रहा है खुशी होनी चाहिए भारत चलो कई बात है नहीं है हमारे देश में अमीरों कोई कमी नहीं है भाई साहब पाकिस्तान की तो ऐसी हालात नहीं उनके एक भी नाम लिस्ट में हो एनी ठीक है सातवें में आ जाइए निगेव लाइट मशीन ये देखिए बेटा निगेव लाइट मशीन गन भाई साहब इस बंदूक को देखो यार इस बंदूक को देखो हाँ जी हाईलाइटेड वर्ड से समझ में आ गया ना हाँ जी अक्षय पवार साहब ये तो अब आप सरकार से पूछ सकते हैं इसका जवाब कि एक साल में डबल कैसे हो गया ठीक है हाँ जी ये तो सरकार से पूछिए अक्षय अवर साहब सरकार इस पर बेहतर आपको जवाब दे सकती है मैं क्या बताऊं मैं तो छोटा सा इंसान हूं यार रखिएगा ठीक है हां जी आगे बढ़ते हैं द आर्मी विल बिगिन इंडक्टिंग द फर्स्ट लॉट ऑफ सिक्स थाउजेंड न्यू लाइट मशीन गन्स फ्रॉम इजराइल विद फ्रंट लाइन ट्रूफ्स ऑन द बॉर्डर सेट टू रिसीव देम लेटर दिस मंथ ये देखिएगा भारत जो है बेटा नई लाइट मशीन गन्स खरीदी है जिसका नाम है नेगेव सो नेगेव सो नाम की नई लाइट मशीन गन्स भारत ने खरीदी है छ हजार कहां से खरीदी है से सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं और इन्हें जो है याद रखिएगा इसी मंथ हमारे देश के बॉर्डर्स पर सैनिकों को दिया जाएगा और पाकिस्तान को गिरा गिरा के ठोका जाएगा बहुत बढ़िया पाकिस्तान के साथ साथ वैसे चाइना को भी ठोकना उतना ही जरूरी है याद रखिएगा ठीक है सो पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि चाइना को भी ठोकना उतना ही जरूरी है बहुत बढ़िया ठीक है बेटा हाँ जी दीज आर द पार्ट ऑफ द सोलह हजार चार सौ संतानवे एल एम जी फ्रॉम इजराइली वेपन्स इंडस्ट्री इन मार्च दो हजार बीस अंडर फास्ट ट्रैक प्रोक्योरमेंट टू मीट द इमीडिएट रिक्वायरमेंट द रिमेनिंग गन्स विल ऑर्डर डिलीवर्ड बाई मार्च दो हजार बाईस द कॉन्ट्रैक्टेड नेगेव <coughs> <coughs> सेवन पॉइंट सिक्स टू इन टू फिफ्टी वन एम 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 of soldiers वेपन कंट्रीज vis the एंड रेंज ऑफ तो आप देख सकते हैं ये हाईलाइटेड वर्ल्ड देखिए बेटा ये वेपन क्या है ये लीथल वेपन है तो ठीक है बेटा ये वेपन क्या है ये लीथल वेपन है लीथल का मतलब है जान लेवा है भैया देख लो तो जिसको पढ़ा है ना बेटा हाँ जी तुरंत उसे जो है ऊपर का रास्ता खुल जाएगा बेटा ठीक है हाँ जी ऊपर जाने का रास्ता खुल जाएगा तो आतंकवादियों और हमारे चाइनीज हो ठीक है बेटा हाँ जी एंड पाकिज चेपालीस आप सब सुधर जाइए वरना जो है निगेव आपका सामना करने आ सकती है कभी भी ठीक है आपको सामना करना पड़ सकता है सातवीं हो गई आठवीं खबर आठवीं खबर है बहुत बड़ी खबर है हिमालयन सैरो इन न्यूज ये देखो बेटा ये हिमालयन सैरो ये बहुत बड़ी खबर है बेटा हाँ जी हाँ जी ये देखिएगा हिमालयन सरो वॉ स्पार्टेड एंड द मानस टाइगर रिजर्व इन असाम इट वॉज स्पार्टेड क्लोज टू द बॉर्डर विद भूटान इन मानस बंसबारी मठन गुरी फॉरेस्ट यह देखिएगा बेटा ये हिमालयन सेरो है एक तरह की मतलब कह सकते हैं गाय का प्रकार है बेटा ये सेरो होता है याद रखिएगा ठीक है हाँ जी ये बहुत बढ़िया है बेटा याद रखिएगा सो हिमालयन सेरो है इसे स्पॉट किया गया सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रिसेंटली सीन इन न्यूज हिमालयन सेरो कहां पर स्पॉट किया गया था सो मानस नेशनल पार्क में भूटान बॉर्डर के पास आसाम में याद रखिएगा ठीक है द हिमालयन सेरो इज अ सब स्पीशीज ऑफ मेनलैंड सेरो नेटिव टू द हिमालय कॉमन नेम हिमालयन सेरो साइंटिफिक नेम कैप्रिकोनीज है लोकल नेम जिंगल येमू है डिस्क्रिप्शन पेयरेंस ऑफ अ गोट विद लॉन्ग डोंकी लाइक ईयरस एंड हैबिट ऑफ स्टैंडिंग विथ फोर लेग्स अडल मेक अन अनगेनली गोट एंटीलोप इट कोर्स कोड लॉन्ग हेयर लेंथ देन अ गोल वेरीज फ्रॉम अ ब्लैक टू रेड तो अब आप देख सकते हैं कि एक तरह की गोट है लेकिन याद रखिएगा ये बिल्कुल याद रखिएगा एक तरह का एंटीलोप भी कह सकते हैं हिरन टाइप्स भी आप कह सकते हैं याद रखिएगा हाँ जी आई यू सी एन में याद रखिएगा आई यू सी एन जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है उसमें नियर थ्रेटेंड है तो काफी हेवी कंजर्वेशन स्टेटस है याद रखिएगा ठीक है इट इज़ लिस्टेड इन साइटेस साइटेस अपेंडिक्स वन तो CITES में भी अपेंडिक्स वन में है और साइटेस का जो अपेंडिक्स वन होता है याद रखिएगा उसमें वही चीजें होती हैं जिनका कंजर्वेशन सबसे ज्यादा जरूरी होता है इन फरवरी 2021 बर्डर्स हैव साइटेड है कलरफुल मैंडरिन डक इन द मगूरी मोटापंग वेटलैंड नियर ईस्टर्न असाम दीब्रू सवा नेशनल पार्क लास्ट डॉम एक सौ और फरवरी दो हजार इक्कीस में अभी आपने सुना होगा कलरफुल ड्रग चाइनीज डग को जो है मगूरी मोटापंग वेटलैंड जो कि आपको मालूम होना चाहिए असम में बहुत ही फेमस एक रामसर रामसर साइड भी है याद रखिएगा ठीक है हाँ जिसे एक सौ अट्ठारह साल बाद देखा गया था नवी खबर है हाँ जी खबर है कर्नाटका इंजीनियरिंग रिसर्च पॉलिसी अब कर्नाटका तो आप जानते हैं भारत में भारत की सिलिकॉन वैली है भैया कर्नाटका में बैंगलोर में आप जानते ही होंगे सो so, कर्नाटका की इंजीनियरिंग रिसर्च पॉलिसी आई है कर्नाटका लॉन्च द कंट्रीज मेड इन इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी टू रेज इट्स कंट्रीब्यूशन टू द सेक्टर इन द कंट्री टू फोर्टी फाइव परसेंट इन नेक्स्ट फाइव सो याद रखिएगा बहुत अच्छी चीज है तो कर्नाटका ने अपनी बेटा पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च की है ताकि जो कर्नाटका का कंट्रीब्यूशन है वो देश में 45 परसेंट हो जाए अगले पांच सालों में सो so बहुत बड़ी चीज है इंजीनियरिंग साइंस एंड रिसर्च याद इंजीनियरिंग रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी आपको मालूम है कि हमारे देश में एक ही चीज नहीं होती है और वो ये है कि हमारे देश में रिसर्च ही नहीं होती है याद रखिएगा तो रिसर्च पर हमारे देश में पैसा भी सरकार नहीं खर्चा करना चाहती ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान की बात है याद रखिएगा सो so रिसर्च एंड डेवलपमेंट का अच्छा क्वेश्चन है हाँ जी अब इससे क्या होता है इसका मेन क्या कारण है तो आर एन डी सेक्टर को बढ़ाना है पचास हजार लोकल जॉब्स लानी है रिसर्च ओरिएंटेड टैलेंट को हटाना है इन्वेस्टमेंट लाना है गैप बिटवीन अकेडमी इंडस्ट्री टू मेक इंडस्ट्री बियॉन्ड बैंगलोर तो सिर्फ तो बैंगलोर ही नहीं बल्कि बैंगलोर के बाहर भी द स्टेट गवर्नमेंट एंटिसिपेट द पॉलिसी हैज पोटेंशियल टू क्रिएट पचास हजार जॉब्स इन द इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्पेस इन फाइव ईयर अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्री एपेक्स बॉडी ने has potential to become a 100 billion dollar industry in the country in the next 5 years.

ऑटो ऑटो कंपोनेंट्स ईवी बायोटेक्नोलॉजी फार्मा एंड मेडिकल डिवाइसेस सेमी कंडक्टर टेलीकॉम ईडीएसएम एंड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स सो याद रखिएगा काफी अच्छी चीज है कहीं ना कहीं याद रखिएगा इससे हमारे देश को अच्छा ही फायदा होगा और कर्नाटका नो no डाउट भारत का एक काफी अच्छा राज्य है जहां पर लगातार रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम होता रहता है और आखिरी खबर है आज ये देखिएगा आज की आखिरी खबर है श्रीलंका श्रीलंका वेस्ट कंटेनर टर्मिनल प्रोजेक्ट ये देखिएगा तो श्रीलंका का वेस्ट कंटेनर टर्मिनल प्रोजेक्ट ये देख सकते हैं एस एल पी ए याद रखिएगा हां जी तो ये देखिएगा श्रीलंका सेड दैट इट विल डेवलप द वेस्ट कंटेनर टर्मिनल एट द कोलंबो पोर्ट अलोंग विद इंडिया एंड जापान तो भारत के लिए एक और अच्छी खबर है याद रखिएगा तो श्रीलंका जो है वेस्ट कंटेनर टर्मिनल बनाएगी याद रखिएगा कहां पर कोलंबो पोर्ट आपको मालूम है कोलंबो पोर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है याद रखिएगा साउथ एशिया में इसकी मदद से बन रहा है इंडिया और जापान की मदद से बनेगा द डिसीजन कम्स कम्सर मंथ आफ्टर द राजपक्साज गवर्नमेंट इजेक्टेड द टू पार्टनर्स फ्रॉम दो हजार उन्नीस ट्राइपेटाइट एग्रीमेंट टू ज्वाइंटली डेवलप द ईस्ट कंटेनर टर्मिनल साइटिंग रेजिस्टेंस टू फॉरन इन्वॉल्वमेंट वाइल दाई कमीशन ऑफ इंडिया हैड अप्रूव अडानी स्पोर्ट

और याद रखिएगा बेटा कि पहले ईस्टर्न वाला बन चुका है वेस्टर्न बनने जा रहा है और भारत ने अडानी जी का नाम सबसे आगे रखा है कि आप अडानी जी यहाँ पर पोर्ट बनाएंगे बहुत अच्छी बात है जापान ने अभी तक फिलहाल कोई नाम आगे नहीं किया है द डब्ल्यू सी एसन टू द चाइनाज रन सी आई सिटी एंड जस्ट अ कपल ऑफ किलोमीटर अवे फ्रॉम द चाइनाज बैक पोर्ट सिटी बींग बिल्ड ऑन द रिक्लेम्ड लैंड मेकिंग स्ट्रेटेजिकली डिस्क्राइबल पोर्ट स्पॉट फॉर इंडिया हुज कंसर्न ओवर चाइनाज प्रेजेंस इन श्रीलंका इज वेल नोन तो याद रखिएगा चाइना ने जहां बनाया है उसके मात्र दो किलोमीटर पे भारत ने बनाया है बहुत अच्छी बात है इससे कहीं ना कहीं भारत चाइना को जो है एक बार फिर से कंफ्रंट करेगी आमना सामना होना बेटा बहुत जरा जरूरी होता है जीवन में याद रखिएगा हाँ जी तो आमना सामना होना बहुत जरूरी है याद रखिएगा ठीक है हाँ जी बहुत बढ़िया So, ये हो गया बेटा हमारा डन अब देखो पहले दो मिनट सुनो फिर क्वेश्चन करेंगे अब देखो भाई अगर तुम सी और सीएपीएफ दोनों की तैयारी कर रहे हो तो सीएपीएफ का पेपर वन पेपर टू दोनों की तैयारी कर रहे हो और सीडीएस की तैयारी कर रहे हो तो हमारा बैच थ्री आने जा रहा है 16 मार्च से ये फाउंडेशन बैच है बेटा स्क्रैच से पढ़ाया जाएगा इस बैच में एक साल तक की वैलिडिटी है मतलब एक साल तक कोई तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा कोर्स का प्राइस चार हजार नौ सौ निन्यानवे रुपए है लेकिन अगर पंद्रह तारीख तक खरीद लिया तो चार हजार चार सौ निन्यानवे में खरीद सकते हो इसमें साढ़े तीन सौ से ज्यादा लाइव क्लास पांच सौ से ज्यादा आर्ट्स छह हजार प्रैक्टिस क्वेश्चन दस मॉक टेस्ट डेडिकेटेड डाउट सोल्यूशन सब कुछ आपको यहां पर दिया जाएगा तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए याद रखिएगा ठीक है हां जी इसके अलावा अगर आप सिर्फ सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा बैच थ्री आ रहा है यह भी 16 मार्च से शुरू होगा आप तीन हजार नौ सौ निन्यानवे में खरीद सकते हैं हालांकि अगर ऑफर है अभी तीन हजार चार सौ निन्यानवे में इसके अलावा अगर आप चाहें तो ओटीए का बैच खरीद सकते हैं जो कि तीन हजार चार सौ निन्यानवे में आप इसे दो हजार नौ सौ निन्यानवे में खरीद सकते हैं सिर्फ सीएपीएफ पेपर वन पेपर टू की तैयारी कर रहे हैं तो तीन हजार नौ सौ निन्यानवे का है आप तीन हजार चार सौ निन्यानवे में खरीद सकते हैं सोलह मार्च से शुरू हो रहा है अगर आप कहते हैं कि नहीं सर मुझे तो सिर्फ जीएस की तैयारी करनी है तो सिर्फ जीएस की तैयारी भी आप कर सकते हैं सोलह मार्च से हमारा बैच शुरू हो रहा है फीस है आप चाहे तो 20 परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा कोड इस्तेमाल सी डी एस ओटीए और सीएपीएफ तो सी डी एस ओटीए और सीएपीएफ का याद रखिएगा हां जी बिल्कुल मिलेगी बेटा गौरव रंजन ये हमारा बैच सिर्फ जीए के लिए आ रहा है और अगर आपको सिर्फ इंग्लिश पढ़ना है तो इंग्लिश का बैच चौदह सौ निन्यानवे में है कोड इस्तेमाल करिए वो भी ट्वेंटी बीस परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा एक साल की वैलिडिटी है ठीक है तो आपकी मर्जी है आप कोई सा बैच ज्वाइन कर सकते हैं कोई भी बैच खरीदना हो आप हमें सेवन डबल सिक्स डबल नाइन डबल फाइव फोर डबल टू पर कॉल भी कर सकते हैं तो सेवन डबल सिक्स डबल नाइन डबल फाइव फोर डबल टू पर भी कॉल कर सकते हैं ठीक है ओके इसके अलावा जुनून यूपीएसआई अब देखो बेटा उत्तर प्रदेश एसआई SI की वैकेंसीज आ चुकी हैं आप जानते हैं ठीक है बेटा हां जी तो उत्तर प्रदेश एसआई SI की वैकेंसी आ चुकी है कंप्लीट मास्टर कोर्स हमारा आ रहा है अठारह मार्च से याद रखिएगा अठारह मार्च से कोर्स आ रहा है उन्नीस रुपए का है बीस का डिस्काउंट है आप जो है ओबी ट्वेंटी कोड का इस्तेमाल करिए आप इस बैच को मात्र सोलह सौ सो रुपए में खरीद सकते हैं और आपको मालूम है कि यूपीएसआई की वैकेंसीज भाई साहब भर भर के आई हैं और यूपीएसआई की जो टोटल वैकेंसीज हैं वो आपकी जो हैं, टोटल कितनी है तो मैं आपको बता दूं कि नौ हजार पांच सौ चौतीस वेकेंसी है छप्पड़ फाड़ वैकेंसीज हैं याद रखिएगा ठीक है ओके चलिए भाई पहला क्वेश्चन है फ्रीडम इन दर्ल्ड दो हजार इक्कीस डेमोक्रेसी अंडर सीज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज पब्लिश्ड बाई जल्दी बताइएगा फ्रीडम इन द वर्ल्ड हां जी फ्रीडम इन दर्ल्ड दो हजार इक्कीस डेमोक्रेसी अंडर सीज इसको कौन पब्लिश करता है जल्दी बताइएगा हां जी ये बहुत इंपॉर्टेंट है हां जी आपको मालूम है जिसमें भारत को अभी पार्टली फ्रीडम बताया गया है बिल्कुल सही है इसे यूएसए बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है फ्रीडम हाउस तो यूएसए में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है फ्रीडम हाउस वो इसे पब्लिश करती है हम्म तो फ्रीडम हाउस नाम का एक संगठन है यूएसए में जो इसे पब्लिश करता है याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है हां जी रिसेंटली सीन इन न्यूज श्रीलंका विल डेवलप द वेस्ट कंटेनर टर्मिनल एट द कोलंबो पोर्ट अलोंग विद इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री जी तो जल्दी बताइएगा हाँ जी जल्दी बताइएगा हाँ जी जल्दी बताइएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है बहुत बढ़िया शाबाश भारत बनाने जा रहा है इसे याद रखिएगा जापान की मदद से वेस्ट कंटेनर जो है कोलंबो पोर्ट पर बनेगा बिल्कुल सही है शाबाश ओके विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लॉन्च द कंट्रीज मेडन इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी टू रेज द कंट्रीब्यूशन टू द सेक्टर इन द कंट्री टू फोर्टी फाइव परसेंट ठीक है इन द नेक्स्ट फाइव ईयर जल्दी बताइएगा इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट हाँ जी सो so, किसने जो है पॉलिसी बनाई है बहुत इंपॉर्टेंट है और बताया गया है याद रखिएगा हां जी हांजी हाँ जी हाँ जी, जी बिल्कुल सही है कर्नाटका ने बनाया है बिल्कुल बढ़िया है शाबाश राइट आंसर ए है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रेफरेंस टू द हिमालयन इट इज लिस्टेड एज नियर थ्रेटेंड ऑन द आई रेड लिस्ट इट इज लिस्टेड इन साइटेस अपेंडिक्स टू आपको मालूम है ये आसाम में अभी रिसेंटली स्पॉट की गई है इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया है आसाम में बेटा हिमालयन सैरो को जो है स्पॉट किया गया है याद रखेगा मानस नेशनल पार्क के आसपास यह नियर थ्रेटेंड है बिल्कुल सही है और क्योंकि नियर थ्रेटेंड है इसलिए अपेंडिक्स वन में शामिल है ना कि अपेंडिक्स टू में तो साइटस का जो अपेंडिक्स वन है वही होता है सबसे ज्यादा कंजर्वेशन वाले जानवरों के लिए और अकॉर्डिंग टू द द्यूर ग्लोबल रिच लिस्ट दो हजार इक्कीस इलॉन मस्क मुकेश अंबानी गौतम अडानी या माइकिल डेल हाँ जी सो आपको मालूम है कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी कौन है आपको मालूम होना चाहिए दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं टेस्ला के मालिक इलॉन मस्क सेकेंड नंबर पर हैं जेफ बेजोस भारत के जो सबसे अमीर आदमी हैं मुकेश अंबानी जो कि याद रखिएगा दुनिया में आठवें नंबर पर आते हैं अमीरों में ठीक है तो ये हो गया बेटा हमारा डन आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू ये हमारा करंट अफेयर्स हो गया आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमें कॉल कर सकते हैं कोई भी जानकारी अगर चाहिए हो तो सो so, कोई भी जानकारी चाहिए हो तो सेवन डबल सिक्स डबल नाइन डबल फाइव फोर डबल टू पर कॉल करें आप हमें यूट्यूब पर फेसबुक पर टेलीग्राम पर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं क्लास अच्छी लगी हो तो सब लोग लाइक बटन जरूर दबाइएगा खराब लगी हो तो डिसलाइक भी दबा दीजिएगा आपकी मर्जी है लेकिन यही सबसे विवेक कुमार जय श्री राम साहब थैंक यू जय हिंद बच्चों जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय भारत एंड वंदे मातरम टू टेक केयर ऑफ एल्स